हेलो दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और मैं UPSI 2021 की जो भर्ती आई थी उसमें सिलेक्टेड हूँ। और आज हम बात करेंगे कि मैंने किस तरह से प्रिपरेशन की जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ। जैसे कि आप जानते हैं UPSI की वैकेंसी हाल फिलहाल में आने वाली है, 3400+ वैकेंसी जैसे बताया गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके सिलेबस में देखें तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और GS। मैंने जो तैयारी की थी मैथ्स की, मैं पहले राकेश यादव सर से पढ़ा था और प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद उनकी मैंने बार बार उन्हीं की प्रैक्टिस करी। और रीजनिंग मैंने पीयूष वर्षने सर से पढ़ी थी, उनके प्रॉपर नोट्स बनाए, उनको बार बार उनको रिवाइज किया। और हिंदी मैंने अरुण सर से पढ़ी थी। और हिंदी का क्या सिनेरियो था, हिंदी में मैंने साहित्य का सेक्शन अलग रखा था, साहित्य और व्याकरण का अलग रखा था, और वोकैब का अलग रखा था। वोकैब में विलोम शब्द, अनिकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, मुहावरे। और सेक्शन बी मैंने व्याकरण का रखा था, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण। और तीसरा सेक्शन मेरा साहित्य का था जिसमें रचनाएं थी, और अवार्ड से हिंदी में प्रथम, साहित्य और रस, छंद, अलंकार। मैं क्या करता था, सुबह में डेली उनको रिवीजन करता था जो वोकैब थी, फिर उसके बाद में अरुण सर से क्लास लेता था व्याकरण की। मेरे हिंदी में 40 क्वेश्चंस में से 36 क्वेश्चंस ठीक थे। और बात करें मैथ की, तो मैथ की मैंने जैसे कि आपको बताया, मैंने राकेश यादव सर से पढ़ने के बाद उनके नोट्स बनाए, और मैं प्रीवियस ईयर्स को बार बार प्रैक्टिस करता था। पहले अपने नोट्स को प्रैक्टिस करता था, फिर प्रीवियस ईयर पेपर लगाता था। मैथ्स का ऐसा रहता था, मैं 4 चैप्टर को या 5 चैप्टर को साथ में लेके चलता था, और सभी के 25 25 क्वेश्चन एक साथ लगाता था। और उसी तरह से हमारा पर डे का रूटीन था। और मेरे मैथ्स में 40 क्वेश्चंस में से 36 क्वेश्चंस ठीक है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरे 40 क्वेश्चन में से 34 क्वेश्चन ठीक थे। रीजनिंग की मैंने पीयूष वर्षने सर की क्लासें ली और उनके नोट्स बनाए, और उनकी एक बुक आती है उससे भी मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, जिससे मेरा स्कोर अच्छा रहा। और जीएस का 50-50% का सिनेरियो रहता है, 50% में पॉलिटी और मूल भी दी जाती है, और 50% में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, UPG के करंट अफेयर वगैरह वगैरह आते हैं। तो आपका मेरा जो सीक्वेंस था, पहले मेरा मैं मोटिव यही था कि मैं उसको पहले जो 50% पॉलिटी का और मूल विधि का पोर्शन है, मैं उसी को अच्छे से कंप्लीट करूँ। मैंने पॉलिटी को पॉलिटी अभिषेक सुमन सर से पढ़ी और उसके प्रीवियस क्वेश्चन लगाए, और फिर उस मूल विधि के लिए बुक आती है, और मैंने बहुत अच्छे से उसको प्रीवियस क्वेश्चनों को बार बार पढ़ा। और बाकी जितने भी GS है आप किसी बुक से उसको कर सकते हैं। और जब आप पेपर देते हो, एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के जब आपको लगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आपके क्वेश्चन अच्छे हैं, आपका नंबर आ सकता है, तो आप तुरंत एग्जाम के बाद आप अपने फिजिकल की तैयारी कर दें। इसमें फिजिकल का क्या होता है कि बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए 4800 मीटर होती है जो 28 मिनट में पूरी करनी होती है रेस, और लड़कियों के लिए 14 मिनट में 2400 मीटर रनिंग करनी पड़ती है, जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन आपको पेपर के तुरंत बाद आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। जैसे ही आपका फिजिकल हो जाता है तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, और मेडिकल में आपकी आईज वगैरह चेक की जाती है। 6x9 आपकी आईज है तब भी चल जाएगा, और आपका नंबर है चश्मे में ज़्यादा ना हो तो भी चल जाएगा। बस आपके फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए, नोकनी नहीं होनी चाहिए, एल्बो ज़्यादा एंगल ना हो, और आप मेंटली फिट हो और शारीरिक रूप से भी फिट होने चाहिए। बस अगर अब इतना कुछ आपका हो जाता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन UPSI में हो जाता है। धन्यवाद।